बेबात अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आजता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिर गालिब और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज हम आगे पहुँचे हैं पुनाना क्षेत्र के गांव बड़का में, जहां पर या बड़का गांव के वासियों की कुछ समस्याएं हैं। आखिर आई है, हम उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो आप बताएगा आपको क्या परेशानी है। परेशानी ये जी, ये मस्जिद की मेन गली है। अच्छा, अच्छा। और इससे हमारे नमाजियों के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में सरपंच से कई बार मुलाकात करी है। अच्छा। और सरपंच ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और गांव की बात करें तो आज तक बीजेपी राज को 5 साल हो गए, आज तक एक भी ईंट हमारे गाँव में नहीं लगी। ठीक। और बाकी इनसे तो हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, आइए पूछते हैं उनसे उनकी क्या कहना है। यही कहना जी, एक तो ये गली सही हो जावे, नवाजी में बहुत दिक्कत होती है। और एक पानी वाणी की बहुत दिक्कत है, गांव में पानी है ही नहीं पीने के लिए। एक किलोमीटर दूर से लड़की औरत जाके पानी लाती है जगड़ों से, पानी की बहुत कमी समस्या आ जाए। आज तक जो वाटर सप्लाई का जो चल रहा है ना, इस गाँव में एक दिन भी वाटर सप्लाई नहीं चली है। क्या अभी क्या कभी आपने सरपंच से जाकर शिकायत की है, सरपंच साहब से बोला है? इस गली की कितनी बार शिकायत करी है कि इसको मतलब बंदवा दो। और ये झगड़ा है मस्जिद का, ये भी थोड़ा नीचे होना है। और ये गली में बहुत कीचड़ होती है, या कोई समस्या मतलब सुनाई नहीं होती है। कागजों में बंदी भी दिखा रखी है। तो ठीक है, आपने देखा अभी बड़का गांव के लोगों की कितनी समस्याएं हैं, कितने परेशान हैं वो लोग यहां के रास्ते को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और यह वो रास्ता है जो मस्जिद को जोड़ता है। यहां पर उन लोगों का कहना है कि यहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में कीच होने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और यही नहीं बल्कि बड़का गांव के सरपंच के पास ये लोग गए थे, लेकिन आश्वासन देखकर सरपंच ने इन लोगों को वापस भेज दिया है। तो एक नज़र अब हम आपको दिखाते हैं कीच की, जरा देखिए यहां पर किस तरह गंदगी फैली हुई है। एक वाटर सप्लाई का पानी आता बस, ही नहीं बस, है। बस, बस, बस। तो हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, आइए पूछते हैं उनकी क्या राय है यहाँ पर। ये देखिए जी, जो ये कींच अभी आपको हमने दिखाई है, ये बहुत ही परेशानी दे रही है हमारे को। और इसमें जो कींच ये खड्डे में पानी भरा रहता है, इसमें इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर की वजह से बुखार भी हो रहा है, इसमें डेंगू पैदा हो रहा है। अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कई बार सरपंच को जाके इसके लिए बोला भी है, नुखा कराता हूँ, अभी तक वो आके भी नहीं देखता। और रही पानी की बात, पानी रहनी वाल का पानी तो अभी तक हमारे गाँव में रैनीवाल का पानी ने एंट्री नहीं करी, आया ही नहीं है वो। तो ठीक है, देखा आपने किस तरह यहाँ पर बड़का के लोग हैं, उन्होंने किस तरह अपनी परेशानी जाहिर की है। और वो बार बार गुहार लगा रहे हैं यहाँ के सरपंच से कि उनको मतलब उनकी जितनी परेशानियाँ उनको सॉल्व किया जाए, ऐसा ही है। और ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर किस तरह लोग परेशान हैं। मैं गालिब हुसैन, कैमरामैन अथर के साथ, और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुँच सके।